टोडा भीम पंचायत समिति के क्वार्टर के सामने ऑन रोड पर खुलेआम ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ कोई जाल नहीं लगा रखा है। इस भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर के किस तरह खुले तार पड़े हुए हैं, ठेले वाले किस तरह उसके आसपास खड़े हुए हैं, परंतु प्रशासन का बिल्कुल ध्यान नहीं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मंडलाध्यक्ष शिवराम मीना ने बताया कि हमारे यहाँ पंचायत समिति के क्वार्टरों के सामने विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिसके नीचे ठेले वाले अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, परंतु विद्युत विभाग मंडलाध्यक्ष शिवपुर मीना ने अवगत कराया। एईएन मुकेश कुमार मीना को व जेईएन रिंकू मीना को मंडल अध्यक्ष शिवराम मीना पार्षद नगर पालिका को विद्युत विभाग पहुंचकर बताया। विद्युत विभाग के कर्मचारी व नगर पालिका के सब सफाई कर्मचारी पहुंचे और प्रशासन आई हरकत में ठेले वालों से कहा कि इसके आसपास कहीं भी ठेला नहीं लगाना चाहिए। एक मिनट में हट गया तो ये बता कि तो सर दो फीट दूर ही लाइट है यहाँ 11 के भी, और तुम यहाँ लगा रखी है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है यहाँ? मान लीजिए अगर कोई ट्रांसफार्मर हो जाए, फूट जाए और ये तेल फैल जाए, तुम बटर मर जाओ, कौन जिम्मेदार है इसका? बता सकते हो आप कौन जिम्मेदार है इसका? मैं उन्हें इसका जिम्मेदार तो अभी हट जानी चाहिए ना। मैं नगर पालिका 10 भंगी भेज दूंगा या नगर पालिका बुला लूंगा सदन में अभी, और जो दोबारा आऊंगा मैं तो हट जानी चाहिए। मतलब ये मेरी अपराधी से कहने में 4-5 बार आपको अवगत करा दियो या बात से कि भाई ये हमें या ट्रांसफार्मर दूर हो या तो अगर मर जाएगा मान ली जाए तो तुमको चुपन बने मुंह तो भारी बन जाएगी। इसका जिम्मेदार मैं हूँ, या तो 10 फुट यहाँ बीच में जगह छोड़ दी। मतलब आप रोजी रोटी कमाए तो ये अपन मरवा के लिए तुम कमाए यार, ध्यान रखो यार बात को। ये लाइट है अभी विस्फोट तो पता है, अभी थोड़ा दिन पहले वहाँ इतना बड़ा विस्फोट।